सो हाय डियर स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है कि CUCET का एग्ज़ाम जो है आपके जून में कंडक्ट होगा और नेक्स्ट मंथ यानी कि मार्च के महीने में आपको CUCET के जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो देखने को नज़र आ जाएंगे। तो एक बार CUCET के पैटर्न पे बात करते हैं, जहाँ तक है पैटर्न सेम ही रहेगा। तो CUCET के पैटर्न पे बात करें तो CUCET का जो क्वेश्चन पेपर है, चाहे वो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए हो चाहे वो पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम के लिए हो, तो CUCET दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, दैट इज पार्ट ए एंड सेकेंड जो पार्ट आता है यहाँ पे मेरे भाई वो आता है पार्ट बी। सो द पार्ट ए कंटेन 25 क्वेश्चंस एंड पार्ट बी कंटेन 75 क्वेश्चन। दिस इज ऑन योर सब्जेक्ट बेस। मान लीजिए आप फिजिक्स में मास्टर करना चाह रहे हैं तो इसमें सारे फिजिक्स के क्वेश्चन होंगे। अगर आप केमिस्ट्री में करना चाह रहे हैं तो ये सारे क्वेश्चन केमिस्ट्री के होंगे। अगर आप मैथ्स में करना चाह रहे हैं तो ये क्वेश्चन सारे मैथ्स के होंगे। ठीक है, जो भी आपका सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट डोमेन से होंगे। ये जो 25 क्वेश्चन है यहाँ पे जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन होंगे, इंग्लिश लैंग्वेज के क्वेश्चन होंगे, जनरल इंग्लिश जो आप 10th लेवल की इंग्लिश, ओके, यहाँ पे एप्टीट्यूड के क्वेश्चन होंगे, मतलब बेसिक मैथमेटिक्स 10th लेवल की, और यहाँ पे रीजनिंग होगी वो बेसिक लॉजिक एप्टीट्यूड पे होंगे। तो ये जो सेक्शन है मैं आपको इस चैनल के माध्यम से पढ़ाऊंगा, सेक्शन ए। सेक्शन बी आपके अनअकैडमी पे क्लासेस चलेंगे, जो लाइव क्लासेस होंगी सेक्शन बी, वहाँ पे हमारा ऑलरेडी कोर्सेस चल रहे होंगे। तो ये एक पैटर्न है जो कि CUSET का पूछा जाता है। यहाँ पे ध्यान रखिए दो सेक्शंस में डिवाइड है, ऑलरेडी आई टोल्ड यू, सब्जेक्ट डोमेन एंड सेक्शन ए। तो बोथ द सेक्शन आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो लेट्स गो।